नमस्कार दोस्तों, प्यारे शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाऊं एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो कि 3BHK फ्लैट एल कॉर्नर प्रॉपर्टी। हाँ जी, कॉर्नर की प्रॉपर्टी रहेगी 25 फीट चौड़े रोड के ऊपर, मेन जो रोड होता है मेन रोड के ऊपर की प्रॉपर्टी है और एल की वजह से चलते हुए सारे के सारे रूम्स में डायरेक्ट वेंटिलेशन। इतनी शानदार, इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टी मिलने वाली है। ऑन पेपर साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 100 गज, लेकिन कंस्ट्रक्टेड एरिया की मैं बात करता हूँ तो इट इज लाइक 115 से 120 गज, क्योंकि एल कॉर्नर की वजह से काफी सारा एरिया इसके अंदर कवर होकर आपको मिलने वाला है। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मेट्रो से डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ हार्डली 300 से 400 मीटर, मेन रोड की प्रॉपर्टी है। ट्रैफिक जैसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। कार पार्किंग लिफ्ट जैसी सारी अमेनिटीज आपको मिलेंगी। बिजली, गैस और पानी तीनों चीज रनिंग कंडीशन के अंदर आपको यूज करने के लिए मिल जाएगी। लोकेशन इज किरण गार्डन। ये तो रहोगा इस प्रॉपर्टी के बारे में छोटी छोटी मगर सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब एक और सबसे जरूरी बात आप लोगों के लिए और मेरे लिए, सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, रेंट आउट करनी है, लीज आउट करनी है या सेल आउट करनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटीरियर का काम कराना, एक्सटीरियर का काम कराना या फिर जड़ से पूरे का पूरा घर नेस्तनाबूद करके दोबारा बनवाना है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमेजिंग रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स और काफ़ी शानदार काम आपको बहुत अमेजिंग प्राइसिंग के ऊपर होके मिल जाएगा। सो आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए एंड आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा वॉक थ्रू देता हूँ पूरी प्रॉपर्टी का। ग्रेनाइट का मापन लगा हुआ स्टेयरकेस, ग्रेनाइट का पूरे का पूरा लॉबी, लिफ्ट लॉबी, फ्लोर प्लान की अगर मैं बात करता हूँ, दो फ्लैट आपको उधर मिलेंगे, दो फ्लैट हमारे को इधर मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट एंड साइड में। लिफ्ट का उपयोग कीजिए, स्टेयरकेस का उपयोग कीजिए, मेरी तरह बनिए और स्टेयरकेस का उपयोग कीजिए। हेल्थ कॉन्शियस बन जाइए थोड़ा सा इस तरीके का। और इतना शानदार हमारा फ्लोर का लेआउट रहेगा। फ्लोर के लेआउट के बारे में फ्लैट में एंट्री कर जाएंगे। एंट्री करते के साथ ही सबसे पहला आपका सवाल रहता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या हमारा इस फ्लैट का लेआउट रहने वाला है। तो गाइस, जैसे ही आप एंट्री करोगे, ये होने वाला है हमारा लिविंग हॉल। लिविंग हॉल के अंदर आपको मिलेगा मंदिर, मंदिर के साथ आपको मिलेगा फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बालकनी एंड वॉशरूम। फिर मिलेगी हमारी किचन विद बहुत बड़े वाला पेंट्री, सेकेंड बेडरूम विद अटैच बालकनी, थर्ड वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। हाँ जी, तीन बेडरूम है, तीन वॉशरूम है विद डायरेक्ट वेंटिलेशन। एक भी कमरे के अंदर, एक भी किचन के अंदर, एक भी वॉशरूम के अंदर आपको इनडायरेक्ट वेंटिलेशन शाफ्ट का उपयोग नहीं मिलेगा। फ्लैट लेआउट में आपको पूरा बता चुका हूँ। अब मैं साइज की बात करता हूँ, 18x13 के साइज के अंदर आपको हमारा लिविंग हॉल मिलेगा। फ्लोर के ऊपर डिजिटली विट्रीफाइड टाइल पूरे फ्लैट में कॉन्स्टेंट और सेम रहने वाली है। व्हाइट कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स रहेंगी। एक्शन वॉल के ऊपर यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल रहा है। सिमिलरली हर रूम के अंदर डिफरेंट कलर का वॉलपेपर मिलेगा। फॉल सीलिंग की बात करता हूँ, इतनी शानदार, इतनी अमेजिंग आपको फॉल सीलिंग मिलेगी। कंसील्ड कोव और प्रोफाइल लाइट जैसी सारी लाइटें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। शैंडलियर भी एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा आपको लग के मिलेगा। टीवी पैनल की अगर मैं बात करता हूँ, फुल लेंथ टीवी पैनल मिल रहा है आपको। आप पूरी देख सकते हैं, एक दीवार के ऊपर डेडिकेटेड इतना सारा वुडन वर्क। ये आपका गेट रहेगा, उसी के साथ इतना बड़ा आपको पूरे का पूरा हमारा टीवी पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर एम्पल स्टोरेज है उधर, इधर, इधर और इधर, और ऊपर भी अगर छोटे मोटे एंटीक्स रखने हैं कुछ भी तरीके के आपको डिस्प्ले करने के लिए, वो भी रख सकते हो आप। इतना अमेजिंग स्पेस आपको हमारे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए मिल रहा है। हल्का सा हम आगे आ जाएंगे, एकदम वेल
डेडिकेटेड प्लेस मिलेगा आपको मंदिर के लिए, ऊपर भी विराज सकते हैं भगवान इसमें और नीचे भी विराज सकते हैं। उसी के साथ नीचे दो यूटिलिटी ड्रॉर्स मिल जाती हैं जिनके अंदर आप किसी भी तरीके का सामान रख सकते हैं। हल्का सा हम आगे आएंगे, इतने बड़े लिविंग हॉल के साथ उतना बड़ा आपको किचन मिलेगा, 10x8 के साइज के अंदर आपको किचन मिल रहा है, वो भी यू शेप का। हाँ जी, सी शेप के अंदर या फिर यू शेप कह लीजिए, यू शेप के अंदर इतना अमेजिंग और इतना शानदार और इतना बड़ा किचन हर अगली प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलता है जो आपको यहां मिल रहा है। व्हाइट कलर का टेबल टॉप मिलेगा, वेंटिलेशन एकदम डायरेक्ट मिलेगी, कुकिंग एरिया एंड वॉशिंग एरिया एकदम सेपरेट मिलने वाले हैं आपको। ऊपर स्टोरेज एम्पल है, नीचे आपको एम्पल स्टोरेज मिलेगा, मॉड्यूलर पूरा हमारा कैबिनेट रहने वाला है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपको काम होके मिलने वाला है। स्टोरेज भी बहुत एम्पल मिलेगी। इन्हीं सब के साथ फुल लेंथ पेंट्री इतने बड़े साइज के अंदर, जो हर अगली प्रॉपर्टी के अंदर देखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चिमनी प्री इंस्टॉल्ड, लगवाने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन के लिए चिमनी का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही खिड़की का रोल है, दोनों के दोनों आपको मिल रही है ऑटोमेटेड है। So, ये आपको मिल जाती है हमारी किचन, किचन के साथ हमारा कॉमन वॉशरूम। सो गाइस, ये रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, 10x4 के साइज के अंदर वॉशरूम का साइज है, 4x2 के साइज के अंदर टाइल फुल लेंथ लगी हुई है, गंदगी का कोई स्कोप नहीं है। जैक्वार जैसे ब्रांड के साथ आपका पूरा वॉशरूम तैयार किया गया है, जैक्वार और हिंदवेयर के अलावा कोई और ब्रांड नहीं है। विट्रस में हिंदवेयर और फॉसेट्स में जैक्वार आपको मिलेगा। हैंड वॉश, बेथिंग जोन एंड पॉट एरिया तीनों एकदम सेपरेट एंड डेडिकेटेड है। साइज बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट आपको उधर से वेंटिलेशन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एकदम अच्छा और एकदम प्यारा वेंटिलेशन मिलने वाला है। ये था अभी तक का हमारा कॉमन एरिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मास्टर बेडरूम कह लीजिए या फिर अच्छे वाला बेडरूम कह लीजिए। सबसे पहले इधर चलते हैं। फर्स्ट बेडरूम ये रहेगा, साइज की अगर मैं बात करता हूँ 10x12 के साइज के अंदर आपको पहला बेडरूम मिलेगा हमारा। वेंटिलेशन एकदम डायरेक्ट है, विंडो एसी लगाना विंडो एसी लगा लो, खिड़की खोलोगे एकदम डायरेक्ट वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सेम फ्लोरिंग मिलेगी, व्हाइट कलर से पेंटेड वॉल्स मिलेंगी, एक्शन वॉल पे इतना शानदार वॉलपेपर का काम होके मिलेगा। ऊपर चले जाओगे तो आपको पूरे का पूरा फॉल सीलिंग मिलेगी, एकदम डिफरेंट तरीके से काम किया हुआ, जिसके अंदर कंसील कोव लाइट आपको ऑलरेडी होके मिल रही है। सामने टीवी पैनल मिल जाता है, फुल लेंथ का 60 इंची तक का टीवी आप इस पे इजीली प्लेस कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एकदम लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको यहाँ पे हमारा स्टोरेज मिल जाता है, विच इज अगेन क्वाइट अमेजिंग। दो पैनल का स्टोरेज इधर, ओवरहेड स्टोरेज, उसी के साथ में ड्रेसिंग एरिया। यहीं पे आपका फ्लैट खत्म नहीं होता है, उसी के साथ आपको मिलेगा हमारा अटैच वॉशरूम। एल शेप के अंदर वॉशरूम है, तो इस चक्कर में स्पेस बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट वेंटिलेशन, वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है, 2x4 की टाइल तो गंदगी नहीं मिलेगी। पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया एंड बेथिंग जोन तीनों सेपरेट, तीनों डेडिकेटेड, दोनों सेम वही कॉन्फ़िगरेशन के साथ, हिंदवेयर एंड जैक्वार, हिंदवेयर विट्रस, जैक्वार आपके फॉसेट्स एंड ऑल। इतना प्रीमियम और इतना प्यारा फ्लैट आपको बना के दे रहे हैं, आप भी खुद एक बारी को अमेज हो जाओगे कि यार क्या तरीके से प्रॉपर्टी को ऊपर काम करके मिल रहा है आपको। दिस इज द सेकेंड बेडरूम, पहले वाले का 10x12 का साइज था, दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो सिमिलर साइज के अंदर 13x10 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। एक्शन वॉल के ऊपर एकदम किड्स रूम है, तो मेरे ख्याल से इस चक्कर में आपको इस तरीके का वॉलपेपर मिल रहा है, बट इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल। हल्का सा ऊपर चले जाओगे आपको एकदम डिफरेंट डिजाइन के अंदर हमारी फॉल सीलिंग मिलेगी और व्हाइट कलर से पेंटेड वॉल्स मिलेंगी। वेंटिलेशन इधर भी आपको डायरेक्ट मिलने वाली है और उसी के साथ आपको अटैच बालकनी मिलेगी। जो इस बालकनी के अंदर बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि 20 से 22 फीट लंबी आपको बालकनी ये मिल रही है, उसी के साथ एल शेप बालकनी होने के चलते हुए यहाँ पे आपको लगभग 10 फीट का स्पेस और मिल जाता है, उसी के साथ अंकज भी देखने को मिल जाता है। यू नो अंकज आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप विजिट करने आएंगे तो माइट बी पॉसिबल आपको अंकज भी विजिट करा रहा होगा। काफी दूर सा नाम है ना अंकज, मैंने भी यही पूछा था यार ये पंकज से सुना अंकज क्या होता है, कह रहा सर जब नाम रख रहे थे ना घर वाले तो पी भूल गए थे रखना। मैं कहा गुड। सो गाइस, ये था अभी तक के हमारे दो बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, एक के अंदर बालकनी, वो भी एल शेप, आपने देखा कितनी बढ़िया बालकनी थी। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर। सो गाइस, ये होने वाला हमारा 10x10 के साइज के अंदर बेडरूम, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल है दोनों के मुकाबले हमारा बेडरूम, लेकिन क्या हो गया इसके अंदर आपको इतना बढ़िया वॉलपेपर मिलता है, फैंसी लाइट्स लगी हुई मिलती है, दो पैनल का नहीं चार पैनल का वार्डरोब का स्टोरेज इधर मिल गया, दो ओवरहेड स्टोरेज मिल गए। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इतनी शानदार फॉल सीलिंग मिल जाती है, हल्का सा आप नीचे आओगे सामने टीवी पैनल मिल जाता है इस वाले रूम के अंदर भी।
अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। दिस इज थर्ड वॉशरूम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज क्वाइट डिसेंट, 8x4 के साइज के अंदर या फिर 7x4 के साइज के अंदर। पॉट एरिया, बेथिंग जोन, हैंड वॉश जोन, डायरेक्ट वेंटिलेशन, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट मिलेंगी। हिंदवेयर, विट्रेस, फॉसेट्स, जेक्वा, वो कॉन्फिग्रेशन सेम एंड कॉन्स्टेंट है। एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम जो कि हमारा अटैच है, रनिंग बालकनी। पहला बेडरूम किचन, दूसरा बेडरूम एंड उसके बाद एक एल कॉर्नर जो कि हमारे 25 फीट चौड़े मेन रोड के ऊपर कनेक्टेड रहता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीजन बीइंग एल कॉर्नर प्रॉपर्टी के चलते इतना शानदार, इतना अमेजिंग वेंटिलेशन आपको इस प्रॉपर्टी में मिलेगा। कहने को प्रॉपर्टी 100 गज की है, यूजेबल एरिया आपको मोटा मोटा 115 से 120 गज का मिलता है और प्राइस आपको सिर्फ 100 गज के लिए पे करना पड़ता है। इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? मेरे को नहीं लगता पर्सनली मैं इससे ज्यादा कुछ और डिलीवर भी कर सकता हूँ, सही बताऊँ तो। सो खैर, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको लगता है कि कोई भी और क्वेश्चन है जो आपका अनआंसर्ड रह गया, आप नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करें, प्रॉपर्टी कोड बताएं और सारे क्वेश्चंस का आंसर ले जाएं और फटाफट से इस प्रॉपर्टी को भी ले जाएं, और एल्स बहुत दिक्कत हो जाएगी, लिटरली कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, टाटा।